जनपद पंचायत शिवपुरी ने जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर लाखों रुपए का किया घोटाला। शिवपुरी के जनपद पंचायत शिवपुरी से एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर उसकी राशि निकाल ली है, तो वहीं लाखों रुपए का घोटाला किया। इसकी शिकायत व्यक्ति ने जन सुनवाई में की है। जानकारी के अनुसार हरिओम शर्मा पुत्र स्वर्गीय रघुवर दयाल शर्मा निवासी ग्राम पंचायत इंदरगढ़ शिवपुरी ने बताया कि जनपद पंचायत शिवपुरी के द्वारा मेरे नाम पर लाखों रुपए की शासकीय राशि निकालकर घोटाला किया गया है। इसकी शिकायत 181 पर भी की गई और मैं जिंदा हूं पर मुझे मृत बता दिया, उचित लोगों पर कार्यवाही की जाए। शिवपुरी से मुझे मृत घोषित कर मेरे नाम पर 4 लाख कुछ रुपए की राशि जनपद के भ्रष्ट कर्मचारी ऑफिसरों ने निकाल ली गई है। ऐसी स्थिति में मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मैं अस्वस्थ हूँ, परेशान हूँ और मुझे एक दो बार सदमा भी हो गया, हार्ट अटैक आया, जिसमें ग्रामीण लोगों ने मेरी मदद कर अस्पताल पहुँचाया। तब मैं जाकर थोड़ा जहाँ तक जनसुनवाई तक आ पाया हूँ। 1-1.5 महीने से मैं अस्वस्थ हूँ। जैसे ही मैंने ये सुना, आपने कब सुना दिया मृत घोषित है? मुझे करीबन ये 13 तारीख से पहले पता लग गया था। कैसे पता चला था? महीने एक पूर्व जनपद सचिव आसाराम जाटव जी ने मुझे बताया, फोन पे तो कोई जांच अधिकारी आ रहे हैं, आप उनसे बात करें। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बताया हरिओम शर्मा बोल रहे हैं। जी हरिओम शर्मा बोल रहा हूँ। उन्होंने मेरे पूरे परिवार की आईडी मेरे से जानना चाहिए, मैंने उनको अवगत कराया। उन्होंने मेरे भाई बांके बिहारी शर्मा के बारे में पूछा कि वो जिंदा है मर गए। मैंने कहा 3.5 वर्ष पूर्व वो जिंदा थे। संबल पोर्टल पर जो शासन का संबल पोर्टल है उस पर जो है उनका नाम चल रहा था, मेरा भी चल रहा था। मैंने 181 लगाई माननीय मुख्यमंत्री जी की साइड, उस पर शिकायत की और मैंने आग्रह किया कि मेरे परिवार को और मेरे भाई को जो है 181 को संबल योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाए। लेकिन उन्होंने उस पोर्टल पर चल रही उस योजना को और सत्यापित नहीं किया, लिहाजा मेरे भाई को लाभ नहीं मिला और उसे जो है मृत्यु हो गई, उसको उसको सदमा लग गई। ये राशि आपके नाम से निकाली है? तत्पश्चात मुझे पता लगा, अभी अभी ताज़ा घटना, जनपद पंचायत पूर्व सीईओ गगन बाजपेयी के द्वारा उनके कार्यकाल में मुझे प्रार्थी हरिओम शर्मा के नाम पे 4 लाख से कुछ ऊपर की राशि आहरण कर शासकीय राशि का दुरुपयोग कर बहुत बड़ा घोटाला किया है। धन्य है ये प्रशासन और ऐसे उसमें जो है व्यवस्थापिका में और कार्यपालिका में जीना मुझे दुर्लभ हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे जीकर भी क्या करूं, मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, ऐसे विचार मेरे मन में आ तो नहीं। आपको आत्महत्या करने से क्या होगा जब प्रशासन ने आपको पहले ही मृत घोषित कर दिया? जी, इसका ये है कि ऐसे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के राज्य में वो कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं रहेगा और ये जनपद पंचायत शिवपुरी की ओर से इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जो कि जिंदे जीवित व्यक्तियों को मारकर उनका पैसा खाने की चेष्टाएँ इन द्वारा की जा रही हैं। क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। राशि आपके नाम से निकाली गई? मेरे नाम पर निकाली गई है। मैं जनपद सीईओ भदौरिया जी से मिल चुका हूँ और उन्होंने अपने कर्मचारियों से पूछा भी।